हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आजकल घरों में खरबूजा तरबूजा जैसे कई फल खाए जा रहे हैं। उनके छिलकों को फेंकने के बजाय उनकी कंपोस्टिंग कर लीजिए। ये जो है 10-15 दिन में ही गल करके डीकम्पोज हो जाएंगे और आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको एक आसान सा और भी तरीका बताऊंगी कि कैसे आप घर में ही बिना कंपोस्ट बिन के ही इन जो सब्जी के छिलके वगैरह रहते हैं इनकी कंपोस्ट बना सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो जो भी आपके पास छिलके रहें, सबसे पहले उनके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। छोटे पीसेस जल्दी गलते हैं और वो पीसेस जो है पहले से अगर आपके पास कंपोस्टिंग करी हुई है तो उसी में मिक्स कर लो, और नहीं तो कैसे मिक्स करना है अभी हम आपको आगे बताते हैं। ये तो इसमें मेरे पहले से ही कंपोस्टिंग कर रखी थी। तो जो भी छिलके आपने डाले हैं उनको आप फैला लो और उनको ऐसे खुला मत छोड़ना, बल्कि उसके ऊपर आपके पास किसी भी तरीके की मिट्टी है, जैसे ये वाली जो मिट्टी है ये मेरे पुराना, इसमें पहले एक पौधा लगा हुआ था तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, वो इसके ऊपर डाल ले रहे हैं। अगर आपके पास गोबर खाद है या बर्मी कंपोस्ट है, कुछ भी है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा जो मेन एम है कि लोगों को कंपोस्टिंग का या गार्डनिंग के आसान से आसान तरीके बताना, ताकि उनको जो है किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो आप जो कुछ भी डालोगे इसमें उसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना, उसमें दिखे ना, जो कि दिखेगा तो फिर मक्खी हैं और कीड़े वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, बदबू भी आने लगती है। तो इसको आप कवर कर दोगे, और कवर करने के बाद, वैसे जो इस समय इसमें छिलके डाले हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर है, उसमें से पानी की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो हम डा बना रहे हैं इसमें जो है आपके पास जो भी इस तरीके का साधारण गमला है उसमें आप कर सकते हो। ड्रेनेज होल का होना ज़रूरी है, और ये जो गमला है ये 7 इंच का है। तो शुरू में हम कंपोस्टिंग जब मैंने शुरुआत करी थी तो ऐसे ही उससे करी थी। इसमें जो है सबसे पहले नीचे जो है ये अखबारी कागज़ बिछा लीजिए। कागज़ जो होता है इसमें आप जो भी सब्जी के फलों के छिलके डालोगे उनका लिक्विड निकलने लगता है, तो वो सब लिक्विड ये कागज़ एब्जॉर्ब कर लेता है। वो जो लिक्विड यानी कि पानी होता है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और बाद में धीरे धीरे ये कागज़ भी डिकम्पोज हो जाता है। इसके बाद इसके ऊपर भी आप मिट्टी डाल सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी खाद है, गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट, वो डाल दीजिए। और ये जो पहले की बनी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं आप इस तरीके से। फिर जैसे इसमें आपने सब्जी के छिलके हमने बताया था डालने को, सेम तरीके से इसके ऊपर भी डाल लेना। इसके ऊपर डाल करके आप चाहो तो इसको पूरा कवर कर लो, पूरा भर करके करो। बस ये है कि 10-15 दिन में उलटते पलटते रहना। और अगर आपको इसमें ऐसे ही कम डाल करके प्लांट भी लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे नीचे के आप 2-3 इंच अपना सब्जी वगैरह का छिलका डालो, ऊपर से 4 इंच मिट्टी भर दो और कोई भी प्लांट लगा दो। ये मेरी पहले की बनी हुई कंपोस्ट है, इसी को हम थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो आप कंपोस्ट बनाते हैं, हम लोग कंपोस्टिंग करते हैं, उसको सूखना नहीं चाहिए। उसमें पानी ज़रूर थोड़ा बहुत होना चाहिए, नमी बनी रहे। पानी इतना मत डाल देना कि बहने लग जाए, बस हल्का सा मॉइस्चर रहे इसमें, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जब हम लोग पानी डालेंगे तो वो जिंदा बने रहेंगे। और साथ में ये जो प्लास्टिक का कंटेनर है हमारा, इसमें मैंने छोटे छोटे से बहुत सारे होल बना रखे हैं ताकि एयर वगैरह मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कंपोस्टिंग कर सकते हो और ये आपकी इस समय 1-2 महीने में रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।